फ्रेंड्स, चाहे आप कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो या फिर स्टूडेंट हो, हम सभी पूरे हफ्ते सिर्फ संडे का ही वेट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संडे की छुट्टी सबसे पहले कब मिली थी? अगर नहीं तो टेंशन किस बात की। स्मार्टर एवरीडे सीरीज के इस एपिसोड में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फैक्ट एंड स्टोरीज का ये वीडियो मेरे यानी अंशिका के साथ। फ्रेंड्स, सन यानी कि हमारे सूरज को प्राचीन समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। अब चाहे वो प्राचीन भारत हो या फिर इजिप्ट, रोम या चाइना, सभी जगह सूरज की पूजा की जाती थी। हमारे कैलेंडर्स में सूरज के लिए एक दिन भी डेडिकेट किया गया है, जिसे हम इंग्लिश में संडे और हिंदी में रविवार कहते हैं। ये कहानी शुरू होती है रोमन एम्पायर से। रोमन लोग भी सूरज की पूजा किया करते थे। आज से 1700 साल पहले 300 एडी के करीब कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट रोम के राजा हुआ करते थे। यूरोप में ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण राजा कॉन्स्टेंटीन ने भी ईसाई धर्म को अपना लिया, लेकिन इसके कारण उनकी प्रजा बहुत गुस्से में थी। उन्हें लगता था कि इसके कारण रोम की प्राचीन संस्कृति खत्म हो जाएगी। राजा कॉन्स्टेंटीन को हटाने की मांग होने लगी। ऐसे में राजा ने बहुत ही शातिर चाल चली। उन्होंने संडे के दिन पूरे राज्य में हॉलीडे घोषित कर दिया और लोगों से इस दिन प्रेयर्स करने को कहा। अब क्योंकि संडे का दिन सन गॉड का माना जाता था, तो उन्हें मानने वाले लोग भी खुश हो गए। ईसाई धर्म में कहा गया है कि भगवान ने हफ्ते के 6 दिनों में दुनिया को बनाया था और संडे को रेस्ट किया था, तो ईसाई लोग भी इसी दिन अपनी चर्चेस में प्रेयर्स करने लगे। इस तरह उन्होंने दोनों प्रकार के लोगों को खुश कर दिया। तभी से पश्चिमी देशों में संडे का हॉलीडे पॉपुलर होने लगा। अब अगर हम भारत में संडे के हॉलीडेज की हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो ये कहानी शुरू होती है 1881 से। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज भारत की फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स से हफ्ते के 7 दिन काम कराते थे। यहाँ तक कि उन्हें दिन में 1 मिनट का ब्रेक भी नहीं दिया जाता था। ऐसे में महाराष्ट्र के थाने में जन्मे नारायण मेघाजी लोखंडे ने भारत के वर्कर्स को न्याय दिलाने की ठान ली। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने मांग रखी कि भारत के वर्कर्स को भी संडे की छुट्टी दी जानी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन में भी इसी दिन छुट्टी होती है। पहले तो ब्रिटिश सरकार ने ये मांग ठुकरा दी, लेकिन 8 साल के कड़े आंदोलन के बाद उन्हें ये मांग माननी पड़ी और 1889 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संडे की छुट्टी घोषित कर दी। शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के आजाद होने के बाद संडे की छुट्टी का रूल खत्म कर दिया गया था और आज हमें जो संडे की छुट्टी मिलती है, वो कोई गवर्नमेंट रूल के अंडर नहीं मिलती। अगर कोई संस्था या कंपनी चाहे तो वो इसे कैंसिल भी कर सकती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि मुगल एम्पायर के समय भारत में संडे नहीं बल्कि फ्राइडे की छुट्टी होती थी, क्योंकि इस्लाम धर्म में ये एक पवित्र दिन होता है। आज भी इस्लामिक देशों में संडे की जगह फ्राइडे का हॉलीडे ही होता है। आई होप अब आप जान चुके होंगे कि संडे का हॉलीडे क्यों मिलता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल फैक्ट एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर देना। गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग।